पाकिस्तान में रविवार को दर्दनाक रेल हादसा हुआ जब रावलपिंडी जा रही हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और करीब 80 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा रविवार को शहजादपुर और नवाब शाह के बीच मौजूद सहारा रेलवे स्टेशन के पास हुआ। घायलों को नवाब शाह के पीपुल्स मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेन के पटरी से उतरने की सही वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। हादसे के बाद आसपास के अस्पतालों में इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। पाकिस्तान के रेलवे और उड्डयन मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने नवाब शाह में ट्रेन हादसे के पीछे संभावित साजिश का शक जताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। बदकिस्मती से ट्रेन का हादसा हुआ है। हम सब अल्लाह ताला से दस्त मदुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस पे जगह अता फरमाए। फिलहाल पाकिस्तान में राहत और बचाव का काम जारी है।